जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में बड़ी दफा आपसे बात हुई है और आप जानते भी हैं कि ऐसी रियासत एस्वाइल स्टेट आज तो यूनियन टेरिटरी है, ऐसी रियासत ऐसी अद्भुत रियासत इस धरती पर और कोई नहीं जो हमारी है। किन कारणों के कारण हम कह सकते हैं वो मैंने कई दफा बताया हुआ है। और हमारे जम्मू में गजब की हेरिटेज है जिसको बचाना, अगली जनरेशन के लिए बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी बार बार हमने बात की। आज ऐसी ही एक अद्भुत और हेरिटेज के बारे में आपके साथ में बात करने जा रहा हूँ। डोगरा सदस्यसभा में इसके बारे में बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ी एक्सरसाइज हुई है, हमने पदयात्रा भी की है, देखा भी है जाकर, वो है रणबीर कैनाल। आप सब जानते हैं रणबीर कैनाल जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, 234 नहीं आप तो 300 से ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और चिनाब दरिया से निकलती है। और ये भी यूनिक चीज़ है इस ज़मीन पर, इस धरती पर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। उसके कारण क्या है शायद आपने पूरा गौर से उसको जानने की कोशिश आज तक नहीं की होगी। एक तो ये है कि इसमें जो पानी है ये डायरेक्ट हिमालयन ग्लेशियर से आता है और ये बर्फ वाला पानी है और इसमें ये फुल ऑफ मिनरल्स है और इसी का कारण है कि यहाँ से लेकर आरएसपुरा के उस बॉर्डर तक, ये सारी अरनिया के उस बॉर्डर तक यहाँ तक ये नहर जाती है, वहाँ की बासमती, वहाँ की फसलें, उनका स्वाद, उनकी खुशबू और होती है, वो देन है इस नहर की। और फिर ये सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर फ्रिज का काम करती थी, आज भी पूरे जम्मू की पब्लिक के लिए। और पार्टीशन के पहले यहाँ सियालकोट तक के लोग यहाँ आते थे, आपको पता है जेरी कैन में पानी भर के यहाँ लगा देते थे, फ्रूट लगा देते थे, खरबूजे वगैरह, तरबूज वगैरह, आम वगैरह, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ठंडा फ्रूट खिलाने के लिए। ये सब काम इस नहर का था। और इसके साथ साथ इसके ऊपर पहला जो पावर हाइडल प्रोजेक्ट बना, आपने पावर हाउस बना हुआ है नहर के ऊपर, ये बना जहाँ 1 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होने लगी और शहर में बिजली आई। ये हेरिटेज है, गजब का हेरिटेज है। और आज इसको बचाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ऐसी चीज़ मिटने के बाद कहीं दिखाई नहीं देगी। ये हेरिटेज है तो आज हम मांग करने जा रहे हैं आपके ज़रिया गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं लेकिन ये भी ध्यान उनका दिलाना चाहते हैं कि अगर वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जो नहर है वो ऐसी नहर नहीं है, आम नहर है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है 6 किलोमीटर उस नहर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं, 10 मेगावाट बिजली पैदा वहाँ हो रही है, जमीन भी नहीं छेड़ी और पानी में एवापोरेशन जो होती है वो पानी भी बच गया और नहर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए हैं उससे बिजली पैदा हो रही है, लोगों को मिल रही है। इस नहर पर भी हम ये मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो स्कीम यहाँ भी लाओ। ये इस नहर पर आप सोलर पैनल लगाओगे दो चीज़ें होने वाली हैं, एक तो इस नहर की पूरी खूबसूरती बन जाएगी, दूसरे इसके किनारे बच जाएंगे और तीसरा इससे बिजली पैदा जो होगी यहाँ जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपको मुफ्त में ये सब मिलेगा। और अगली बात ये कहना चाहते हैं कि इसके किनारे आप देख रहे हो कहीं पर मंदिर है, कहीं का देरी कोई बनी हुई है, कहीं समाधि बनी हुई है, कहीं कोई दुकान बनी हुई है, कहीं रेड़ी लगी है, ये गलत है। ये किनारे उसके लिए नहीं है, ये किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की ज़रूरत है,
यहां पर पार्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हेरिटेज हमने बचाना है। और अगर आप सोलर पैनलों पर लगाओगे, किनारे बांध दोगे, इसके किनारों की खूबसूरती मेंटेन रहेंगे, किनारे खूबसूरती होगी, और ये जो एनक्रोचमेंट, खासकर पत्रकार बंधुओं में आपसे कहना चाहता हूँ, याद रहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कैमरे लेकर जाइए कि आप जो फोर लेनिंग यहाँ पर अखनूर रोड की बन रही है, कितनी जमीन इसकी नहर की जो है वो और बड़ी है वहां पर, और आप लोगों ने नजर रख ली है, किसी वक्त भी माफिया था शुरू कर लेंगे वहां पर उसको एनक्रोच करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अति पैसा आ रहा है। इन स्कीमों के तहत इस नहर को डेवलप करो। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पर राजेंद्र पार्क बनाया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नाम पर पार्क बनाया, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ही सेवियर ऑफ द स्टेट, उसने जान दी है। और उसने किस तरीके से लड़ा पाकिस्तानियों के खिलाफ, मैं पत्रकार बंदियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप कैमरे लेकर जाइए। मैं चाहता था कि आपको वहां ले जाता, आपके पास टाइम नहीं, वो देखिए कि दुनिया भर का गंद इस वक्त उस पार्क के अंदर है, और वो चाहिए था कि वहां पर इतना को, यहां पर महाराजाओं का टाइम, मैं ये भी बता दूं आप, चार में डोगरा सदस्यसभा बनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम यहां के डोगरे, ये आपके जरिया इस गवर्नमेंट तक ये पहुंचाना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, और जम्मू सूबा के खासकर जो बहुत यहां बातें करते हैं जम्मू की, उनसे अपील करना चाहता हूं, उन सियासतदानों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से, आओ ऐसी खूबसूरत चीजों को बचा लें, और इसको हम ये दुनिया भर में कोई एग्जांपल नहीं मिलती, ये हम लोगों को दिखाएं और अगली जनरेशन जो है उसके लिए बचाएं। और आखिरी मांग ये कर रहे हैं हम सभा की तरफ से कि इसको हेरिटेज का स्टेटस दें। ये नहर आम नहर नहीं है, 116 साल से ज्यादा पुरानी ये नहर है, 117 साल पहले ये नहर बनी 1905 में, इसलिए इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए, वो स्टेटस इस नहर को देना चाहिए। तो यहाँ मैंने मुबारक मंडी की बात की, जामलोचन की बात की, यहाँ पर हमने यहाँ के किलों की बात की, जम्मू के अंदर जो चार दरवाजे थे उनकी बात की, चाहे वो डेनिश गेट हो, गुमट गेट हो, चाहे मेशी गेट हो, चाहे जोगी गेट हो, ये हेरिटेज है, ये ऐसी अजूबे हैं, हमारी अगली आने वाली जनरेशन को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री आगे ही इन्होंने तबाह कर दी है, आर्काइव्स ये तबाह करने के पीछे चले हैं। तो हमारी मांग है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उनके थ्रू मोदी जी से कि आप बड़े अच्छे काम कर, अगर वडोदरा में वो उन्होंने 30 किलोमीटर से लेकर 36 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर का पीस उन्होंने वो पूरा ऊपर ये पैनल लगा दिए हैं उसके सोलर पैनल, यहाँ भी मेहरबानी करके वडोदरा का नमूना यहाँ दे दो, और जम्मू, जम्मू के अंदर एक गजब की एक बात जाएगी और जम्मू एक अलग से मशहूर होगा इस चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ सवाल पूछना था।